हरे कृष्णा। आज हमारी संस्था अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद जी के गुरुदेव श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिवस है, उसमें थोड़ी चर्चा हम करेंगे। लेकिन चर्चा करने के पहले ये हम बताना चाहेंगे कि एक बार एक काफ़ी वरिष्ठ भक्त संत पुरुष हमें बता रहे थे कि जब नित्य सिद्ध आत्माएँ आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आते हैं, जब सिद्ध आत्माएँ यहाँ आती हैं तो उनके दो दिवस होते हैं, एक आविर्भाव दिवस यानी उनके आने का दिन, दूसरा त्रिभाव दिवस यानी उनके जाने का दिन। तो दो दिवस होते हैं, आविर्भाव दिवस और त्रिभाव दिवस। वैसे दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन वो बता रहे थे कि आविर्भाव दिवस से अधिक महत्वपूर्ण त्रिभाव दिवस होता है, क्योंकि उस दिन वो जो महात्मा आए हैं, जो संत पुरुष हैं, उनके आने का मिशन पता चलता है कि किस पर्पस से आए, क्या कारण था, क्यों अवतरित हुए। हमारे प्रभुपाद जी के गुरुदेव श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिवस है, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे शॉर्ट एंड संक्षिप्त में एकदम। वो कहते हैं अपने कोट में, अपने कमेंट करते हैं, निंदा के विषय में ये कहते हैं, डोंट क्रिटिसाइज डिवोटीज और नॉन डिवोटीज, फर्स्ट लुक आफ्टर योर ओन कंडीशन एंड ट्राई टू प्योरीफाई योर सेल्फ। इज देर एनी लस्ट इन यू और नॉट, बी वरीड अबाउट दैट, डोंट वरी अबाउट अदर्स। श्री गुरु एवं कृष्णा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर्स, you cannot do anything good to help them, therefore you have no right to criticize anybody। तो वो कहते हैं कि कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है या नहीं कर रहा हो, भक्त हो या अभक्त हो, दोनों को आप किसी भी स्थिति में निंदा नहीं कीजिए, उनकी बुराई नहीं कीजिए। क्यों नहीं कीजिए? क्योंकि आप तो उन्हें कुछ हेल्प कर नहीं सकते हो, मदद तो आप कुछ कर नहीं रहे हो, तो आपको अधिकार भी नहीं उनकी निंदा करने का। अगर वो कुछ गलत कर भी रहे हैं, आपको दिख भी रहा है कि बहुत गलत है, बहुत ये कार्य नहीं करना चाहिए, तो भी वो कहते हैं आपको निंदा करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उनके वो सही है या गलत है इसका निर्णय उनके गुरु करेंगे, कृष्णा करेंगे, भगवान देखेंगे। तो जगत में कोई भी व्यक्ति को गलत कार्य करता है उसका निर्णय कृष्णा करते हैं, भगवान देखते हैं। हमको उस व्यक्ति को निंदा करने की, क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। कुछ कर सकते हैं तो हेल्प करें, नहीं कर सकते हम तो कम से कम क्रिटिसाइज तो नहीं करना चाहिए। तो ये हमारी इसी शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई प्रभुपाद जी का जो कोट है, हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवतम में एक प्रसंग आता है ब्रह्मा जी और उनकी पुत्री वागदेवी का। तो ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री वागदेवी को अपने शरीर से उत्पन्न किया था, और उत्पन्न करने के बाद स्वयं ब्रह्मा जी जो कि जगत पिता हैं, वो खुद ही अपनी पुत्री के प्रति शारीरिक आकर्षण से आसक्त हो गए थे, तो सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो गए थे अपनी पुत्री के प्रति खुद ब्रह्मा जी। हालांकि वो पुत्री वो अट्रैक्टेड नहीं हुई थी, लेकिन ब्रह्मा जी अट्रैक्टेड हो गए थे, उनके मन में उनके प्रति सेक्स का भाव आ गया था उस लड़की के प्रति। तो ये बात जब उनके पुत्रों को पता चली, ब्रह्मा जी के पुत्रों को, तो उन्होंने जाके बोला ब्रह्मा जी को, देखिए आप हमारे पिता हैं, आप हमारे पिता नहीं, आप सारे जगत के पिता हैं, पूरी सृष्टि के आदर्श हैं, सृष्टि की रचना आप करते हैं, मतलब विसर्ग जो सेकंड क्रिएशन है रचना आप ही करते हैं, तो ये कार्य आपका शोभनीय नहीं है, ये आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और इतना कहने के बाद जब पुत्रों ने कहा, तो उन्होंने जरा से भी अपने पिता ब्रह्मा जी की निंदा नहीं करी, उनकी बुराई नहीं करी, लोगों के कान में विस्परिंग नहीं करी, बोला नहीं इन्होंने, ना ही ब्रह्मा जी की उनको इमेज को डाउन किया, बल्कि वो अपने इस ब्रह्मा जी की जो ब्रह्मा जी ने क्रिया करी इस पर उनकी जो मानसिकता थी, जो उनका एटीट्यूड था, वो नॉन जजमेंटल था, उन्होंने जज नहीं किया उसको। अभी हम लोग जनरली तुरंत कोई गलती देखते तुरंत जजमेंट बिठा लेते हैं, ना उन्होंने जज किया उनको और ना ही वो मिसलीड हुए, बल्कि उन्होंने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया कि ब्रह्मा जी इतने आदर्श व्यक्ति हैं, पूरी सृष्टि के जगत पिता हैं, सृष्टि के पहले जीवात्मा हैं, ब्रह्मा जी को साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत महान विद्वान है, वेदों के ज्ञाता हैं वो। तो जब हालांकि वो ये जानते थे कि ब्रह्मा जी ने जो किया वो कार्य गलत है, फिर भी उन्होंने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया, उन्होंने संदेह का लाभ दिया कि नहीं, ब्रह्मा जी इतना माने, हो सकता हो कि अपनी इस क्रिया के द्वारा हम जैसे बद्ध जीवों को कोई संदेश देना चाह रहे हों, कोई शिक्षा देना चाह रहे हो कि देखिए भौतिक जगत में माया का प्रभाव कितना है, या इंद्रियां इतनी बलवान होती हैं कि बड़े से बड़े महान विद्वान को भी अपने वश में कर लेती हैं, व्यक्ति गलत कार्य कर सकता है। चाणक्य पंडित भी बोलते हैं कि कभी भी किसी व्यक्ति को अपनी खुद की माँ बहन के साथ भी एक समान आसन पर नहीं बैठना चाहिए, क्यों? क्योंकि बलवान इंद्रिया ग्रामो विद्वान अपी कर्षति, इंद्रियां इतनी बलवान होती हैं कि वो शास्त्रों के महान ज्ञाता विद्वान पुरुष पंडित को भी आकर्षित कर सकती है। तो कहने का भाव ये कि उन्होंने पुत्रों ने भी ब्रह्मा जी को गलती को जानते हुए बेनिफिट ऑफ डाउट दिया, लेकिन निंदा नहीं करी, उन्होंने क्रिटिसाइज नहीं किया, उनकी इमेज खराब नहीं करी।
और वही दूसरी तरफ मैत्रेय मुनि जो कि ये कथा विदुर महाराज को सुना रहे थे, तो उन्होंने केवल इस कथा को हल्का सा बोला। क्यों बोला? क्योंकि वो एक प्रिंसिपल दिखाना चाहते थे, एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल इस्टेब्लिश करना चाहते थे, दुनिया को बताना चाहते थे कि देखिए इंद्रिया इतनी आकर्षक, इतनी बलवान होती है कि बड़े बड़े विद्वान पुरुष भी भटक सकते हैं कभी कभी। लेकिन वो खुद कहते हैं विदुर महाराज मैत्रेय मुनि कहने के पहले वो पूरी तरह चेतन थे, कॉशस थे, कॉन्शियस थे कि मैं कोई अपराध नहीं करूँ ब्रह्मा जी के प्रति, क्योंकि ब्रह्मा जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो हमारे इस पास टाइम से हमको ब्रह्मा जी की इमेज को भी डाउन नहीं करना चाहिए कि ब्रह्मा जी ने कैसा कर दिया। नो, विदुर मैत्रेय मुनि इतने महान संत पुरुष, वो खुद ध्यान रख रहे थे कि मैं इनकी निंदा नहीं करूं, अपराध नहीं करूं, लेकिन सिद्धांत को बताने के लिए उन्होंने पास टाइम केवल मेंशन किया था। तो देखिए भक्तों का संघ या भक्तों का समुदाय में कितना अच्छा एक कल्चर होता है, इसको बोलते हैं वैष्णव कल्चर। यदि कोई गलती भी कर रहा है, गलती नहीं कर रहा तो निंदा का प्रश्न ही नहीं है, यदि कोई गलती कर भी रहा है, किसी को गलती हो भी गई है उसकी कंडीशनिंग की वजह से किसी भी कारण से, तो भी वैष्णव समाज में कभी भी उसको निंदित नहीं किया जाता, उसकी टांग नहीं खींची जाती, उसकी इमेज खराब नहीं की जाती, कानों में उसके बारे में फुसफुसाहट नहीं की जाती, हल्का सा बोल के हमको जो सीखना हम सीख लेते और आगे बढ़ते। इसको बोलते हैं वैष्णव सोसाइटी, वैष्णव कल्चर। ए कल्चर ऑफ वैष्णव सोसाइटी शुड बी लाइक दिस, ऐसा होता है। अभी आज के समाज में हम देखते हैं कि हम लोग तो आतुर रहते हैं दूसरों की निंदा करने में, जरा कहीं किसी की बुराई हो रही होती है हमें उत्साह आ जाता है, सुंदर सुनो 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 सुनो, क्योंकि सुनेंगे फिर हमें दूसरों को बोलना है, फिर वो तीसरों को बोलेगा। तभी हमारे जो स्थिति है, हम लोग दूसरों की निंदा को करने में, निंदा को सुनने में बहुत आतुर रहते हैं, बड़ा उत्साह रहता है, बड़ा आनंद आता है हमको, चटकारा ले लेके हम दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों की इमेज खराब करने की कोशिश करते हैं, उसकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं, ये अच्छा नहीं है। कृष्ण के भक्त की सोसाइटी कैसी होती है? निंदा आदि शून्यम, कि निंदा बिल्कुल जीरो होनी चाहिए, वो व्यक्ति कृष्ण भक्ति को में सफल हो सकता है, वो कृष्ण के भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति कर सकता है। तो हमारे लिए इस पूरी कथा से, आज के त्रिभाव दिवस से, हमको अपने आचार्यशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई प्रभुपाद जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें शक्ति दें, हमें बुद्धि दें, कि जिन्होंने आदर्श स्थापित किए हैं कि हम किसी की निंदा नहीं करें, चाहे भक्त हो या भक्त नहीं हो, गलत भी हो तो भी निंदा ना करें, इसी हमको शक्ति प्रदान करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।